हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं, बीजेपी अपने दम पर आगे बढ़ने में सक्षम है। ये बयान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया था। इस बयान ने अब सियासी पारा चढ़ा दिया है। नड्डा ने कहा, अटल जी के समय में पार्टी सक्षम नहीं थी, अब पार्टी अकेले अपने दम पर आगे बढ़ने में सक्षम है। नड्डा के बयान के बाद कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख मुकेश नायक ने कहा कि जिनकी बैसाखियों पर चलकर बड़े हुए, जिन्होंने अपना उनका लालन पालन किया, अब आप उन्हीं से कह रहे हो कि आप बड़े हो गए हो। थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए और उनको यह ज्ञान होना चाहिए कि वह क्या बोल रहे हैं। आडवाणी जी ने सजदा कर लिया था पाकिस्तान में जाकर जिना की मजार पर। शाम को सुदर्शन जी ने कह दिया कि अटल आडवाणी का युग खत्म हो गया। आप ये बताइए, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो लेकिन कपड़े ना पहने हो, पूरे आभूषण पहने हो लेकिन निष्प्रण हो, शरीर में चेतना और जीवन ना हो। आरएसएस के बगैर बीजेपी शून्य है। जो भी शक्ति क्षमता है वह बीजेपी की रस है। और यह बीजेपी के नेता अगर कह रहे हैं और आरएसएस में अगर हाथ खींचा तो इनका वह हाल होगा जैसे पांव के नीचे से जमीन चली गई। जिनकी बैसाखियों पे चलकर बड़े हुए, जिन्होंने आपका लालन पालन किया, अब आप उन्हीं से कह रहे हो कि आप बड़े हो गए हो। जेपी नड्डा को थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए और उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। आडवाणी जी ने सजदा कर लिया था पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पर। शाम को सुदर्शन जी ने कह दिया था कि बीजेपी में आडवाणी और अटल युग खत्म हो गया, और हो गया। इन्हें पता, इन्हें इल्म नहीं है कि आरएसएस के बारे में क्या बोल रहे हैं और उनकी क्या स्थिति बनने वाली है। आप ये बताइए, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो लेकिन कपड़े ना पहने हो, कोई व्यक्ति पूरे आभूषण पहने हो लेकिन निष्प्राण हो, शरीर में चेतना और जीवन ना हो। आरएसएस के बगैर बीजेपी शून्य है। जो भी शक्ति क्षमता है वो बीजेपी की आरएसएस है। और ये बीजेपी के नेता अगर गर्राए और आरएसएस ने अगर हाथ खींचा तो इनका वो हाल होगा जैसे पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है।